आपके साथ। समुदाय विशेष पर तर्ज देते हुए खुद को मजबूत करने के लिए शेर शाह वादियों ने रखी बैठक। बरारी के पूर्व विधायक मोहम्मद सकूर हुए शामिल। पूर्णिया के अलावा कटिहार, अररिया तथा किशनगंज के शेर शाह वादी हुए शामिल। पूर्णिया प्रमंडल क्षेत्र में शेर शाह वादियों की जनसंख्या लाखों में है। यह सभी मौजूदा वक्त में अलग अलग है, जिसे जोड़ने की कवायद की जा रही है। इस बड़ी बैठक के बाद शेर शाह वादियों को उनके हक के लिए सरकार से मांग रखने के लिए तथा आने वाले समय में मजबूती दिलाने के लिए काम किया जा रहा है। पूर्व विधायक मोहम्मद सकूर की माने तो सबसे ज्यादा पिछड़ापन अगर किसी बिरादरी का है तो वह शेर शाह वादी है, जिसके हक के लिए आज वह बैठक कर रहे हैं और सभी को एक साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। हम लोग का शेर शाह वादी बिरादरी को हम समझते हैं, आप लोग भी जानते हो और नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए, सुन लीजिए कि शेर शाह वादी बिरादरी बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में कटिहार, किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया में आबाद है और सबसे ज़्यादा पिछड़ापन जो था इसी बिरादरी का आज भी है, लेकिन कुछ घटा है। इसलिए ये सोसाइटी वगैरह जो बनाई गई सबके MLA मुबारक साहब के ज़रिए, प्रोफेसर अब्दुल लतीफ़ के ज़रिए ये सोसाइटी बनाई गई कि हम अपनी समस्याओं को लेकर के सरकार से मुतालबा करेंगे कि हमारा पिछड़ापन को दूर किया जाए। तो हम लोग हर तौर पर पिछड़े थे, तो एनेक्सर वन में डाला हुकूमत बिहार ने शेर शाह वादी बिरादरी को, जिसकी वजह से हम लोगों को आज थोड़ा बहुत नौकरी चाकरी में काम होता है, स्कॉलरशिप लड़कों के पढ़ाई लिखाई में यह काम आता है, ये एनेक्सर वन होने की वजह से। बाकी अभी भी गरीबी है, अभी भी काफ़ी पसमानदगी है। इसी उद्देश्य के तहत हम लोग एक बैठक को बुलाए हैं कि इसको ज़िंदा किया जाए और इसको ज़्यादा ताकतवर बनाया जाए ताकि सरकार से, समाज से हम अपने मांगों का मुतालबा करके मांग मंगवा सकें। कहाँ कहाँ से लोग आए हैं यहाँ पे इस मीटिंग? यहाँ से कटिहार से लोग आए हैं, किशनगंज से आए हैं, अररिया से हैं, पूर्णिया।